नाजरीन, आखिर कब तक की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नूर को उसका मैनेजर फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुंच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन, मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन, नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन, आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन, क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन, मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन, नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन, आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन, क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन, मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन, नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन, आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन, क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन, मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन, नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते,
हमें वो बेचना ही होगा, तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर
नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या
वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते,
हमें वो बेचना ही होगा, तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चांद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चांद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चांद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चांद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर
नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या
वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद अक्सात में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद अक्सात में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद अक्सात में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या वासिम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है। जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते,
हमें वो बेचना ही होगा, तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासिर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद तक साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फोन करेगा और बताएगा कि मैम हमारा जो ट्रक गायब हुआ था वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, उसका माल भी मुकम्मल है, जिस पर नूर बहुत ज्यादा खुश होगी कि उसकी पहली डिलीवरी पहुँच चुकी है और जो ट्रक गुम हो चुका था वो भी मिल चुका है। नाजरीन मगर नूर ये नहीं जानती कि वो ट्रक गायब करने में उसके मैनेजर का ही हाथ है। अगर ट्रक वहाँ पहुँचा है तो ये सिर्फ नासिर की बदौलत पहुँचा है। नाजरीन नासिर
नूर को पर्सनली तौर पर पसंद करने लगा है। आप देखेंगे आने वाले चंद साथ में नासर नूर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा और उसे हर मामलात में हेल्प करेगा। और दूसरी जानब नूर के चाचा जान जब घर आएंगे तो वो अपनी माँ से साफ साफ कह देंगे कि वो कारखाना बहुत ज्यादा कर्जे पर चल रहा है, हम उसे किसी सूरत नहीं चला सकते, हमें वो बेचना ही होगा। तो नूर वो बेचने से साफ साफ इनकार कर देगी और उसके बनाए हुए कागजात को भी फाड़ देगी। और नाजरीन आप चंद साथ में देखेंगे नूर वो सारा कारोबार बहुत जल्द संभाल लेगी और इसके बाद बासम के साथ शादी करने से भी इनकार कर देगी। और जब नूर का वालद ठीक होगा तो वो खुद नूर की शादी नासिर के साथ करवाएगा। तो नाजरीन क्या बासम ये सब कुछ होने देगा या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।